तेरे जैसे। नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है मेरा स्नैक रस्क मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल पे। और अभी अभी हम लोग मरवन में आए हुए हैं और इनके यहाँ कोई सांप जो है कि रक्षा गांव में आए हुए हैं और कोई सांप छुपा हुआ है, लेकिन पता नहीं विशाला सांप है या विशेष सांप है, सर्च करने के बाद ही मुझे पता चलेगा। चलिए सर्च कर देखते हैं, तब तक आप मेरे वीडियो पे बने रहे। वीडियो पसंद आता है हमारे यूट्यूब चैनल स्नैक रस्क मुजफ्फरपुर को लाइक करे, कमेंट करे और सब्सक्राइब करे ताकि ऐसे बेजुबा जानों को बचाया जा सके। आइए देखते हैं। चलिए गौठ महाराज, आप चुप रही ना तो आपको भी रेस्क्यू किया जाएगा। और आप जो है तुम मुझे जो एक इसमें जाली आज ही ठोके है क्या? नहीं। हाँ हाँ वही वही करना है। चलिए ठीक है, सुनिए आप आ जाइए। ठीक है, आपका कहना इसमें है? अच्छा सुनील जी, आप यहाँ पे चले गए, यहाँ पर आइए। कैसे बड़ा गंदा लग। चलिए चलिए चलिए, चलिए चलिए चलिए। कुर्सी पर बैठेगा ये। इस सांप को हम लोग धामन सांप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धामन। और रैट स्नेक बोलते हैं इसी को, इसी को हम लोग राजधानी एक्सप्रेस बोलते हैं। हाँ, और राजधानी एक्सप्रेस इसलिए बोला जाता है कि ये सांप जो है कि राजधानी एक्सप्रेस से भी बहुत तेज चलते हैं। और लोगों का जो गलत धारणा रहता है कि सांप जो है कि पूंछी से मारता है, ये सब गलत बातें। ठीक है, पूंछी में इसका विष नहीं होता। ठीक है, आप जानकारी लीजिएगा या हंसिएगा। हमारा मोटो केवल सांप पकड़ना ही नहीं है। लोग इस सांप को जो है कि मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? कि ये पूंछ से मारता है, जो कि ये गलत बातें हैं। और इसके ना पूंछ में वैनम होता है ना मुंह में वैनम होता है। ये हमें काट भी ले ना तो कोई दिक्कत नहीं। ये सांप मुझे अभी काट भी ले, अगर ये सांप मुझे अभी काट भी ले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही कोबरा सांप रहता है तो हम इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते, उसको हम अपने तरीके से हैंडल करते हैं। और इस सांप को जो है कि कैजुअल भी पकड़ सकते हैं कोई आदमी भी। और ये सांप अमूमन जो है ना कि इसका मुख्य आहार चूहा होता है, इसका मुख्य आहार चूहा होता है। और ये जो है ना कि अमूमन जो है कि ये क्या कहते हैं, धान के खेत में, मक्की के खेत में ये रहता है ताकि चूहा को जो है कि नियंत्रण करता है। अगर ये सांप न रहे तो दिन दुगुना रात चौगुना चूहा का जनसंख्या बढ़ना चालू हो जाएगा। एक साल में चूहा जो है ना करीबन 200 बच्चा देता है एक साल में। हाँ, तो चूहा का एकदम देगा। एक चूहा साल भर का खाना 40 केजी एक मन अनाज अपने बिल में रखता है। और चूहा का प्रवृत्ति क्या होता है, खाएगा एक गो बर्बाद कितना करेगा, 10 गो। तो 40 किलो अनाज रखता है तो सोचिए वो बर्बाद कितना करता होगा। इसलिए इस सांप को बिहार सरकार के द्वारा जो है ना संरक्षित किया गया है। और इस सांप को जो है ना कि गेहूं के खेत में मक्के के खेत में छोड़ा जाता है। चलिए हमको इसको पैक करने के लिए एक झोरा दे दीजिए। ये एक बड़ा सांप, जो बड़ा सांप है तो अच्छा से इसमें अट सके। हाँ,
वो दे दीजिए, और ये सांप को हम छोड़ेंगे भी तो केवल आपके आंख के उधर से छोड़ेंगे, हाँ, क्योंकि सांप में कहीं दिक्कत नहीं है। और ये सांप को जो है कि सरकार के द्वारा संरक्षित भी किया गया है। जी जी, हम तो ये सांप जो है ना कि गेहूं के मक्के का भी धान का खेती हो रहा है, तो धान के खेती के लिए ये बहुत ही, हम बार बार बताते हैं लोगों को कि सांप हमारा पर्यावरण मित्र है, लेकिन हमारा पर्यावरण मित्र है, हमारा आपका मित्र नहीं है। इसलिए वैनम वाला सांप हो तो उससे जो है कि हमेशा बच के रहे, और ये सांप में जो है कि थोड़ा सा भी वैनम नहीं होता है। आप लोग गांव के रहने वाले लोग हैं, देख लीजिए, कोई भी अगर आपको बताता है कि धामिल सांप के पूंछ में विष होता है तो ये गलत बात है। धामिल सांप के पूंछ में विष नहीं होता है, चाहे जैसे भी हो, ये आप लोग देख रहे हैं, नहीं काटेगा भी तो इसमें वैनम नहीं होता है। मतलब कि इस सांप में नहीं, नहीं इस सांप में जो है कि वैनम नहीं होता, ये सांप जो है कि काट भी ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सांप अगर हमको काट लेगा, अगर हमें चलिए इस सांप को हम लोग सही सलामत रेस्क्यू कर लिया, और सही सलामत इसको जंगल में जाकर छोड़ देंगे। वीडियो मेरा पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही बेजुबा जानों को बचाया जा सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक और खतरनाक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।